खंडमंडलाकारं व्याप्तमें सचराचरं तत्पदं दर्शितमें तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम जो सर्वांग योग का सिद्धांत, अभी तक अगर सिद्धांत समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब हम चौथे अध्याय से जो क्षर भाव स्थित पंचीकर, अब हम जो विश्लेषणात्मक जो पद्धति है, सरल से कठिन जो हमारी है कि सामान्य से विशेष की हो, जो अध्ययन की प्रकृति प्रकृति प्रक्रिया होती है, ठीक है, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया होती है, यहाँ हम प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद ये क्षर भाव पंचीकरण योग है कि जो विश्व वस्तु के जो पंच भौतिक गुण है, अब हम कैसे रियलाइज करें, ठीक। तो यहाँ पर अब हम डिटेल में अब हम इसे समझ रहे हैं। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर भाव देखना निज बुद्धि से। श्री मायानंद चेतन जी ने यहाँ पे दिशा निर्देश दिया है कि यह जो ज्ञान अर्जन है क्षर भाव पंचीकरण योग का, जो क्षर भाव का है, तो अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण, मैं जो संपूर्णता के साथ, जो संपूर्ण है ज्ञान, जो यथार्थ बोध जिसकी बात कर रहे हैं कि हर कुछ आपको समझ में है, आदि में क्षर भाव देखना निज बुद्धि से। कि प्रारंभ में हमें इस विश्व प्रकृति का, विश्व का जो परिवर्तन स्वरूप है, अपनी निज बुद्धि से, अपनी जो वृष्टि बुद्धि से, मतलब यहाँ पे देखने का प्रयास किया। अतः बहुत एकाग्रता के साथ हमें इस ज्ञान का मनन करना चाहिए, ठीक है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, दिशाएं देखना तजे, जो आत्मसंयम योग जो बताए कि जब दिशाएं देखना तजे, कि हमारे अगर मन में चंचलता रहे, चित्त स्थिर नहीं रहा, तो यह ज्ञान विज्ञान अनंत जन्मों के जो यात्रा के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि दिस इज गेटवे ऑफ, मतलब यह द्वार है कि मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो यह जो अगर हमने क्षर भाव को अच्छी तरीके से समझ लिया, जो मुक्ति का पहला प्रकार है सालोक्य मुक्ति, ज्ञातुम दृष्टिंता चित्तं प्रष्टुम, तो क्षर भाव को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो जो हम ज्ञातुम पद है उस पर हम अवस्थित हो जाते हैं। देखेंगे इसमें भाववाट भिन्न प्रकार के यह रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव। देखेंगे इसमें आठ भाव जिनकी पहले भी चर्चा की जा चुकी है अध्याय तीसरे में, लेकिन अब हम यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका विश्लेषण करते हुए समझेंगे। देखेंगे इसमें आठ भाव कि जो इसमें आपको शब्द इस पर रूप रस गंध, यह तीन भौतिक गुण, और सद्य रजतम यह प्राकृतिक गुण, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव। ये आठ भिन्न प्रकार के, इसमें क्योंकि इसमें डायवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक, इसमें विविधता दिखेगी, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव। इसमें लगातार परिवर्तन का चक्र को जो रूपांतर चक्राकार सदैव, इसमें चक्र उत्पत्ति स्थिति लय, ठीक, फिर उत्पत्ति स्थिति लय, फिर उत्पत्ति स्थिति अस्थि जायते बढ़ते विपरिवर्तित, इसमें हमेशा परिवर्तन का भाव हमें दिखाई पड़ेगा चक्राकार सदैव। अब यहाँ पे श्री मायानंद चेतन जी इशारा कर रहे हैं कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ये सरकरा अधिष्ठान है। यहाँ से हमने देखना शुरू किया कि यहाँ से हमने देखा कि सरकरा है, तो यहाँ से देखा तो सर्वत्र हमें रूप ही रूप, अनंत विस्तार आदि मद अंतर है जो सर्वत्र विश्वविराट में दिखाई पड़ रहा है, ठीक। हमें रूप ही रूप परिवर्तित होते हुए भी हमें रूप की अखंडता दिखाई पड़ी। फिर से हम विचार करेंगे, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना, कि अपनी आंख से हमने यहाँ पे अगर देखा तो हमें यह रूप भाव, मतलब रूप परिवर्तित होते हुए भी सर्वत्र हमें विश्व विराट में आदि मत अंतरहित में हमें दिखाई पड़ा। तो यह जो रूप है अग्नि तत्व का ही गुण है, और जो आंख है जिससे हमने देखा ये अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञान इंद्री। तो अच्छा, आंख और जो इस रूप का अभिन्न एकात्मता हमने, जो इसका कारण है, हमने देखा अग्नि तत्व में। अतः जो रूप और हमने आंख का जो ज्ञान, इनका लय हमने अग्नि तत्व में देखा, ठीक है मित्रों। आगे हम देख इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, यह स्पर्श भाव विश्व में भरा होगा। अब हम दूसरा प्रयोग करके देखते हैं, क्योंकि यह जो बातें हैं कहा सुनी वाली बातें नहीं है, रोचक भयानक भी बातें नहीं, यह तत्व दर्शन है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण का विषय है।
रोचक आदि भयानक आदि जो कथा कहानियां हैं इनमें लोगों को फंसा करके अपने निज मूल जो अध्यात्म का मूल जिष्ट है उससे ही वंचित हो। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं कि इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, यह स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में भरा हुआ। इसे हाथ लगा, अब हमने इसे स्पर्श किया, सर्कल है और सर्वत्र हमने इसे प्रयोग करके देखा, तो यह जो स्पर्श भाव परिवर्तित होते हुए भी हमें विश्व विराट में अनंत विस्तार में हमें अनुभव हुआ है कि सब जगह सर्वत्र स्पर्श ही स्पर्श उपलब्ध है। तो यह जो स्पर्श भाव है यह आकाश तत्व का गुण है। यह जो स्पर्श भाव वायु तत्व का गुण है और वायु तत्व की हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय स्किन यह त्वचा है। अतः इन दो दोनों को मतलब इन दोनों का लय जो स्पर्श और हमारी जो स्किन जो हमारी है स्पर्श इंद्रिय है, तो इन दोनों का अभिन्न लय हमने वायु तत्व में देखा। इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो। अब हमने प्रयोग करके देखा, इसमें हमने देखा कि इसमें शब्द अनुभूति आ रही है, ठीक है, तो हमें शब्द मिला, ठीक। तो यह जो शब्द है हमें न केवल इस सर्कदा है जहां पर भी हम प्रयोग करके देखेंगे, तो जो जहां पर भी हम प्रयोग करके देखेंगे हमें शब्द की अनुभूति मिलेगी, ठीक। यह जो इस शब्द है संपूर्ण विश्व में भरा हुआ कि इस और जो इस यह जो शब्द है आकाश तत्व का गुण है और आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय हमारे पास कान है। विश्व में कहीं पर भी, चाहे हम भारत में हैं, चाहे हम यूरोप में किसी भी देश में चले जाएं, तो हमें अगर शब्द की अनुभूति होगी तो कान से होगी। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्योतिष हो, नास्तिक संप्रदाय मानने वाला हो, लेकिन उसे शब्द अनुभूति कान से होगी, ठीक है, क्योंकि कान और शब्द शब्द का अभिन्न एकात्मता। तो हमने अब जो अभी तक हम जो शब्द का खंड देख रहे थे, तो यह जो शब्द हमें विश्व प्रकृति में अखंड हमें अनुभूति हुई, सर्वत्र हमें शब्द की अनुभूति, यह परिवर्तित होते हुए भी खटपट आदि तमाम विधि प्रकार से यह शब्द है ही और इसकी क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय हमारे पास ज्ञान है। अतः हमने शब्द जो आकाश का ही गुण है और उसकी क्रियाशील ज्ञानेंद्री कान है, इन दोनों का लय हमने आकाश तत्व में देखा। जीव से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी रस भाव भरा हो। अगली हमारे पास ज्ञानेंद्री, हमारे पास रसना है, टंग है, जीव्य है, अभी हमने इसे प्रयोग करके देखा तो हमें एक स्वाद अनुभूति हुई। अब जैसे ही हम इस रसना के द्वारा विश्व मात्र में कोई वस्तु अधिष्ठान अगर हम उनके साथ संपर्क करके देते हमें स्वादानुभूति होगी। जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में रस भाव भरा हो। तो ऐसे ही भी विश्व में सर्वत्र हम प्रयोग करके देखें कि रस भाव भरा हुआ है, ठीक है। तो यह जो रस तत्व है, रस तो यह हम जल तत्व का गुण है और उसी की क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय हमारे पास जिव्या है। अतः हमने दोनों का लय जो जो इसकी जो प्रकाश है, जो इनकी शक्ति है, वह हमने देखा कि इन दोनों का लय रस तत्व में देखा। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रहा। तो इसमें हमने अब पांचवा प्रयोग किया, अब हमने नासिका के साथ इसे लगा के देखा तो हमें गंधानुभूति। तो ऐसे ही अगर हम नासिका के साथ विश्व मात्र में किसी भी वस्तु अधिष्ठान के साथ प्रयोग करके देखेंगे तो हमें गंधानुभूति होगी, ठीक है। तो यह जो गंध हमें, इसकी हमें अखंडता मिलेगी, यह परिवर्तित होते हुए भी इसकी हमें अखंडता दिखेगी। यह जो गंध है यह पृथ्वी तत्व का गुण है और जो नासिका है उसी पृथ्वी तत्व की क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय। अतः हमने दोनों इस गंध अनुभूति और जो हमारी ज्ञान इंद्रिय नासिका, इनका अभिन्न लय हमने पृथ्वी तत्व में देखा। अब श्री मायानंद चेतन जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में पांच का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। यहाँ लो पांच तत्वों की, जब हमने अब देखा कि हमने शब्दों की अखंडता दिखी, स्पर्श की भी अखंडता दिखी इस सर्कला अधिष्ठान से, फिर बाद में हमें शब्द रूप की अखंडता, रस की हमें अखंडता दिखी और गंध की हमें अखंडता दिखी, तो फिर अब हम यहाँ पे प्रश्न ये है मित्रों कि क्या यह पांचों भाव जो इस वस्तु अधिष्ठान से प्रत्येक हैं? नहीं है, तो वो पांचों भाव इस वस्तु पर ही आधारित हैं। यह पांचों जो हैं एक ही वस्तु, अस्थि वस्तु, एक ही जो वस्तु है उसके भाव में, पांच ही पृथक नहीं, एक ही अधिष्ठान। अतः हमें यहाँ पे यह भान हुआ कि यह जो अस्थि वस्तु है इसी पर जो पांच भाव कल्पना मात्र है, वस्तु एक अखंड है,
ठीक है, तो यहाँ पर हमें अस्थि वस्तु का यहाँ पे लक्ष्य हुआ, तो वह सूक्ष्म भेद में जाना कि छोटे से छोटे कण से लेकर के, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या उसके भी आगे जो कण का भेद है, प्रोजेक्ट्रॉन न्यूट्रिना और यहाँ तक अब हिग्स बोसॉन, वहां से लेकर के इस विश्व विराट ब्रह्मांड में सर्वत्र यह पांच गुण हमें उपलब्ध है। और यह वस्तु पे अधिष्ठान पर ही आधारित है कि वस्तु ही अस्थि जो वस्तु है उसकी यहाँ पे हमें लक्ष्य हुआ कि एक वस्तु है वही है। तो यह रचना शब्द की सारी पांचों को बतलाए, गुण है इसके आगे भी तीन, तो इन पंच जो रचना शब्द के द्वारा जो अनुभव को जो श्री माया ने इस शब्द रचना के माध्यम सर्वांग योग के माध्यम हमें उपलब्ध किया है, गुण है इसके आगे तीन गुण, जो प्रकृति के तीन गुण है इसी वस्तु अधिष्ठान में है वह सूक्ष्म रूप है। अभी तक जो भौतिक गुण शब्द स्पर्श रूप यह स्थूल भाव है वस्तु का, यह अपन ने देखा। अब जो इसके सूक्ष्म गुण है प्रकृतिक गुण वह सूक्ष्म रीति सूक्ष्म है, तो पांचों ज्ञान इंद्रियों से दिखेंगे नहीं कभी। इन पांच ज्ञान इंद्रियों शब्द जो हमारे पास हैं, जिन्हें हमने देखा कि आंख नाक कान त्वचा स्पर्श और रसना, ठीक है, फिर लेकिन यह उनसे नहीं दिखाई पड़े, अब जानेगा मन और उनके स्वधर्म को। तो जो हमारे पास जो साधन है, जो छठवां साधन है मन है अंतःकरण का, उनके माध्यम से अगर हम अंतःक्रिया करेंगे तो हमें तीन गुणों की यहाँ पर प्रतीति होगी। तो यहाँ जो क्षर भाव स्थित पंचीकरण योग नामक अध्याय चौथा यहाँ पर श्री मायन जतन ने संपूर्ण किया, तो अगर मान लो इस अध्याय का हमें लक्ष्य होता तो सर्वत्र जो अभी तक हम भूत मात्र में भेद देखते थे कि हम पृथक पृथक भूत, अब यहाँ पर हमें पांच तत्वों का अगर हमें अच्छी तरीके से लक्ष्य हो गया तो जो हमें वस्तु जो है, जो एक भौतिक वस्तु है, एक वस्तु अनंत विस्तार में एक ही है, उसी का यह देह है, सदगुरु का देह है, परमात्मा की यह देह आदिमत अंत रहत है, ठीक, जिसका इसका लक्ष्य हमें अंतःकरण में होगा। अगर और ये व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से अगर हम इस ज्ञान विज्ञान को समझते हैं तो इसका प्रकाश और तीव्र तरीके से होता है। अतः प्रयास करके अध्यात्म विज्ञान शाला जो ओंकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, नर्मदा के दक्षिण तट पर, वहाँ पे आ करके इस और भी डिटेल में ऐसे व्यक्तिगत परस्पर संवाद के माध्यम से इस ज्ञान को हम समझ सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कुछ कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, ठीक, साथ ही इसमें वेबसाइट का जो लिंक है उसमें आप जाएं और फिर वहाँ पे आपको संपूर्ण वाणिमय के बारे में, कौन है मायानंद चैतन्य, क्या सिद्धांत है आदि आपको इसमें मिलेगा। उसमें यूट्यूब के वीडियो की लिंक भी हैं, तो यहाँ पर हम यह पांचवा अध्याय संपूर्ण करें। सद्गुरु भगवान की जय।